नीमच में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम फेज में 19 से 20 जावद विधानसभा और नीमच विधानसभा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं शनिवार को स्थानीय टाउन हॉल में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां से चयन होने के बाद प्रतिभागी 22 तारीख को उज्जैन से होने वाली संभाग स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी रवि पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम फेज में 19 और 20 को जावद एवं नीमच विधानसभा में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं शनिवार को जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 11 विषयों पर 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यहां से चयन होने के बाद प्रतिभागी 22 तारीख को उज्जैन में होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय भाषण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19 तारीख को प्रथम फेज में 19 और 20 तारीख को मंडासा और नीमच जावद विधानसभा कार्यक्रम हुए। वहाँ से जो प्रतिभागी चुन के उनका जिला स्तरीय भाषण का आयोजन रखा गया है। आज जो जीतेंगे कल 22 तारीख को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उज्जैन भाग लेंगे। आज 11 विषयों पर अलग अलग विषयों पर 11 विषयों पर प्रतिभागियों को बुलाया है। जो विजेता विधानसभा से निकल कर आए उन विषयों पर प्रतियोगिता है, जो निकल के आएंगे उनके कल 22 तारीख को उज्जैन भाग लेंगे। लगभग कितने प्रतिभागी यहाँ पर भाग 33 प्रतिभागी यहाँ भाग ले रहे हैं। विधानसभा से 11 प्रतिभागी इस तरीके से 33 प्रतिभागी आज भाग लेंगे, जिसमें से 11 चुनकर उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ पर कौन कौन उपस्थित है वर्तमान कार्यक्रम? पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री उषा जी ठाकुर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सगलीचा सभी उपस्थित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।